चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। टू इंटरफेयरिंग वेव्स हैविंग इंटेंसिटीज आर 9i एंड 4i, पावर डिफरेंस बिटवीन देम इज 11 लैम्डा, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट अ पॉइंट विल बी। देखो सबसे पहली बात, इसमें स्क्रीन आप बनाओ, ठीक है। दो सोर्सेज S1 कंसिडर करो, S2 कंसिडर करो, दोनों वेव्स निकली S1 और S2 से, ठीक है। दोनों कोहरेंट सोर्सेज हैं, वेवलेंथ दोनों की सेम होगी, ठीक है। अब इसमें पी पॉइंट पे अगर ये पहुंच रही हैं और दोनों की इंटेंसिटी I1 की वैल्यू 9i और I2 की वैल्यू है 4i, तो जब ये यहाँ पहुंचेगी तो नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट में I1 रूट I2 इंटू cos phi। तो हमको फेज डिफरेंस चाहिए, अगर रिजल्टेंट आपको निकालना है तो फेज डिफरेंस cos phi की वैल्यू से निकल जाएगा, phi की वैल्यू। तो फेज डिफरेंस तो नहीं दिया है, दोनों वेव का पार डिफरेंस दिया है, यानी डेल्टा एक्स दिया है। तो अगर डेल्टा फाई निकालना है तो क्या होगा, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। पार डिफरेंस का यूज करके डेल्टा एक्स की वैल्यू दिया हुआ है ना 11 लैम्डा, ये वैल्यू उठा के यहां रख दो, ठीक है, डेल्टा एक्स की जगह। तो 2π/λ इंटू 11 लैम्डा, पाई से पाई, लैम्डा से लैम्डा कटा, ये कितना आएगा 22π आएगा, डेल्टा फाई 22π का मतलब क्या हो गया, 22π का मतलब कितना होता है, 22π इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 11, इसको लिख दो 11 इंटू 2π, ठीक है। 2π मीन्स क्या होता है, 360 मतलब 0 डिग्री, तो 2π की जगह 0 रखा जा सकता है, यानी 11 इंटू 0, यानी अल्टीमेटली 0 के बराबर है। 22π का मतलब है 0 के इक्वल है, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू होती है +1। तो ये बताओ cos 2 और 22π का मतलब cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी +1। तो अगर मैं नेट इंटेंसिटी की बात करूं तो I1 की वैल्यू है 9i प्लस 4i प्लस 2 इंटू अंडर रूट में 9i इंटू 4i इंटू 1, क्योंकि cos phi की वैल्यू होती है 1, ठीक है। यहां पर इस केस में तो कितना आ जाएगा, ये दोनों मिलके 13i होगा, प्लस ये दोनों के कितना होगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू i, ये रूट आई मिलके आई बन गया, ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 12 12 और 12 प्लस 13 i, दोनों मिलके 25i। सो नेट इंटेंसिटी हो गई पी पॉइंट पे 25i के इक्वल होगी, कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।